Hey guys, कैसे हैं आप लोग? आपका मोस्ट वेलकम है अनअकैडमी स्टूडियो वॉल्ट पे. और आज हम एक टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है बैंकैश्योरेंस. ये टॉपिक बैंकिंग एग्जाम के लिए भी काफी जरूरी है और ये टॉपिक इंश्योरेंस एग्जाम के लिए भी काफी जरूरी है. दोनों में कॉमन टॉपिक आता है. तो बैंकैश्योरेंस को हम समझते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं अपना. और गाइज, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा. और ये हमारी टीम है पीछे, आपको दिखाई पड़ रही है, तो सारी टीम आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है. तो गाइस, अगर मैं अपने बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूं तो माय नेम इज अभिजीत मिश्रा. अनअकैडमी स्टूडियो वॉल्ट पर डेली मॉर्निंग में 7 AM पे मेरा करंट अफेयर सेशन होता है. उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 9:30 पर हम लोग मॉक टेस्ट लेते हैं फॉर LIC असिस्टेंट फॉर एबीबीएस क्लरिकल मेंस. 1:30 पर भी आपको मैं टॉपिक वाइज वन लाइनर फॉर्म में करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं. आप वो भी सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं. चलिए गाइज, तो आप मुझे अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं. वहां मेरे पेड बैचेस भी आते हैं, वहां मेरे अपने क्लासेस चलती हैं, आप वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं. मुझे फॉलो करने के लिए आपको अनअकैडमी प्लस के अनअकैडमी प्लस का लर्निंग एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए. गाइज, मैं पहले अपने पेड बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे दूं. मेरा एक बैच IBPS क्लरिकल मेंस का शुरू होने वाला है, एक बैच PO मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए आएगा मेरा, और एक बैच LIC असिस्टेंट के लिए मेंस के लिए मेरा बैच आएगा. तो इन सब बैचों को फॉलो करने के लिए आपके पास अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन होना चाहिए, डाउनलोड कर लीजिए. डाउनलोड करने के बाद गाइस, आपके सामने चूज योर गोल के ऑप्शन आएंगे. और चूज योर गोल में आपको यह बताया गया है कि आप अनअकैडमी को कैसे ज्वाइन कर सकते हो. यहां पर आपको दिख रहा है बैंक एग्जाम, तो आप एक काम करेंगे, आप बैंक एग्जाम पे क्लिक कर लेंगे अगर आपको हमें फॉलो करना है तो. और जैसे ही आप बैंक एग्जाम पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज खुल के आता है जिसमें आपको यह बताया जाता है कि आप क्यों अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, क्यों करना चाहिए आपको. गाइस, मेरी एक बात ध्यान से समझिएगा, अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म इस समय इंडिया में बेस्ट प्लेटफॉर्म है अगर कोई भी एग्जाम क्रैक करना है आपको. तो कैसे एग्जाम देखिए, कैसे गाइज, मैं भी सुन रहा हूं तो मैं चीजों को समझता हूं. अगर मुझे भी क्वांट पढ़ना है, मुझे भी फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा एक एजुकेटर से काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि हो सकता हो कि उसके साथ मेरी टाइमिंग का बॉन्ड न बने ठीक से, हो सकता है मुझे उसकी बात समझ लेना है, मेरा शायद दो से भी नहीं हो पाएगा. अब जो एग्जाम का लेवल है गाइज, उसमें एक लेवल का कंटेंट चाहिए होता है, और किसी एक या दो सोर्स से वो मिल जाए तो यह सब पॉसिबल नहीं. अनअकैडमी आपको एक ऐसा मौका देता है गाइस कि आप एक बार फीस पे करें और आप बैंक एग्जाम के मोर देन 60 एजुकेटर से एक साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. आपको अलग से किसी के लिए कोई फीस पे नहीं करनी होती है. अगर एक बार आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया तो अनअकैडमी पर जितने भी कोर्सेस चल रहे हैं वो सारे कोर्सेस आपके लिए हो जाते हैं. गाइस, अनअकैडमी को हम कैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये रहा इसके सामने, देखिए आप. फॉर एग्जाम्पल 1 month, 3 month, 6 month, 12 month और 24 month. तो मैं तो आपको एडवाइस दूंगा गाइस कि अगर आपको अनअकैडमी को ज्वाइन करना है तो अनअकैडमी को ज्वाइन करने के लिए आपको एटलीस्ट 12 month के लिए आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको श्योर शॉट सिलेक्शन चाहिए तो. गाइस, दिसंबर अभी आने वाला है, ये साल बीत जाएगा, जनवरी पहला एग्जाम SBI का होगा, देन IBPS, देन RRB, देन क्लरिकल, मतलब इतने सारे एग्जाम्स होंगे तो क्या बार बार एडमिशन होगी? तो एक साल के लिए आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर लेंगे तो पूरा अनअकैडमी फॉर्म एक साथ आपके लिए हो जाएगा, सारे एजुकेटर आपके लिए हो जाएंगे, करना कुछ नहीं है. अगर फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं 12 महीने के लिए, तो 12 महीने वाले पे क्लिक करिए, आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा जहां पर आपको फीस दिखाई दे रही 6,000, लेकिन आप इसको भी डिस्काउंट कर सकते हैं अगर आपने AM लाइफ कोर्स से एडमिशन लिया. गाइस, इससे एडमिशन लेने पे क्या होता है, आपको चीजें डिस्काउंट हो जाती हैं और ये डिस्काउंट 5,400 पड़ेगा आपका, 5,400. तो 5,400 में अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म आपका हो जाएगा पूरे एक साल के लिए, सारे एजुकेटर आपके लिए हो जाएंगे. गाइस, अगर हम आगे बढ़े तो AM लाइफ कोड, ये मेरा कोड है, इस कोड को ध्यान देना है. एक चीज और, अगर आप बिगनर हैं, अगर आपको थोड़ा टाइम चाहिए, तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है ऐसा प्लेटफॉर्म जिसपे 2 साल के लिए अनअकैडमी आपका हो जाएगा, 2 साल के लिए, और 2 साल के लिए फीस आपको 9,600 पे नहीं करनी है. अगर आप AM लाइव कोड का यूज करेंगे तो आपको केवल 8,640 रुपए देना है और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म आपका हो जाएगा 2 साल के लिए. गाइस, ये तो इन्फॉर्मेशन थी अबाउट अनअकैडमी. और अगर अभी हम बात करें तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बैंकैश्योरेंस. अब ये बैंकैश्योरेंस क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन कौन सी बातें हमको याद रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसकी बात करने वाला हूं. देखिए, पहली बात ये कि ये बैंकैश्योरेंस क्या है. गाइस, आप लोगों ने हिंदी पढ़ी होगी, सबने पढ़ी होगी, और हिंदी में आपने एक चीज पढ़ा होगा, संधि विच्छेद.
संधि विच्छेद। अब ये संधि विच्छेद क्या होता है, मतलब कि किसी शब्द को तोड़ना, या मैं ये बोलूं कि दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बना देते हैं, उसको हम ब्रेक करते हैं, मतलब एक शब्द से हमको दो शब्द मिल जाते हैं। आइए इसका भी संधि विच्छेद करते हैं। तो यहां पर आपको अगर ध्यान से देखिए तो यहां पर एक वर्ड आपको दिख रहा है बैंक और एक वर्ड आपको दिख रहा है इंश्योरेंस। मतलब अगर कि बैंक, अगर हम एक काम करें, अगर हम बैंक और इंश्योरेंस, अगर हम बैंक का इंश्योरेंस को संधि विच्छेद करें तो हमें दो वर्ड मिल जाएंगे, एक मिल जाएगा बैंक और एक वर्ड इंश्योरेंस, यानी कि उसको प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, बैंक का इंश्योरेंस। यानी हमें यह क्लियर हो गया कि बैंक का इंश्योरेंस का मतलब यार कहीं ना कहीं दो चीजों की बात हो रही है, बैंक और एक इंश्योरेंस, हमें यह क्लियर है। अच्छा, एक बात तो हमें क्लियर है, दूसरी बात क्यों हम पढ़ रहे हैं टॉपिक। देखिए गाइस, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं दो क्वेश्चन आपको बताऊंगा, दो क्वेश्चन। अब वो दो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कि हमारे देश में बैंक का इंश्योरेंस जो हुआ वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे स्टार्ट हुआ, वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे स्टार्ट हुआ, पहला क्वेश्चन ये। और दूसरा क्वेश्चन कि बैंक का इंश्योरेंस की इंडिया में स्टार्टिंग कब से हुई। तो गाइस, अगर कमेटी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो कमेटी के लिए आपको बस एक शब्द याद रखना है, क्या, मल्होत्रा कमेटी, मल्होत्रा कमेटी। तो मल्होत्रा कमेटी के सिफारिश पर हमारे देश में बैंक का इंश्योरेंस की स्टार्टिंग हुई थी, और कब से हुई थी, दूसरा कोर्ट पॉइंट 2002। देखिए, अगर आप थोड़ा एडा के साइट पर या आरबीआई के साइट पर डीप में जाएंगे तो वहां पर आपको 2000 लिखा होगा, लेकिन एग्जैक्टली में 2000 में प्रपोजल था, 2002 से बैंक का इंश्योरेंस की स्टार्टिंग हुई। तो बैंक का इंश्योरेंस की स्टार्टिंग कब से हुई है, 2002 से हुई है, और किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे, तो मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन पे। ये दो बातें पहले याद कर लीजिए, ठीक। उसके बाद क्या, उसके बाद गाइस आपको पढ़ना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक का इंश्योरेंस। गाइस मे बी आप शायद इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में जानते होंगे, मेरे हिसाब से इस पूरे इंडिया में, इस पूरे दुनिया में सबसे टफ कोई जॉब है तो वो इंश्योरेंस की है। अरे हम लोग के पास जब इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट आते हैं तो हम भी उनको देख के कतराते हैं, और शायद ठीक से बात भी नहीं करते, कभी कभी तो उनके साथ हम रूडली बिहेव कर देते हैं, बिकॉज वो पॉलिसी के लिए परेशानी इतना कर देते हैं, पॉलिसी ले लो भाई, पॉलिसी ले लो। आपके घर के आसपास के लोग, इवन हो सकता हो कि आपके रिलेशन में ही कोई ना कोई किसी कंपनी का एजेंट होगा, और जो कि आपके पास जरूर आता है कहने के लिए कि पॉलिसी ले लीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं शायद आपसे बात ना होती हो, लेकिन जिस दिन आपकी जॉब लग जाएगी या लग गई होगी तो आपने देखा होगा कि कितने लोग आपके आसपास आ जाएंगे। इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सबसे टफ जॉब मैं मानता हूं, क्योंकि मैं इस सेक्टर को बहुत करीब से जानता हूं, बिकॉज मेरे कुछ दोस्तों ने इंटर्नशिप किया था तो मैं भी वहां पर गया था, मैंने देखा था। तो एक पॉइंट तो ये है गाइस, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। अच्छा, हमें शॉपिंग मॉल्स क्यों पसंद आते हैं, मुझे तो बहुत आते हैं, आपको भी शायद आते होंगे, क्यों आते हैं। शॉपिंग मॉल्स एक ऐसी जगह है जहां पर आप चले जाइए, आप वहां पर शॉपिंग भी कर लेंगे, आप वहां पर खाना भी खा लेंगे, और आप वहां पर मूवीज भी देख सकते हैं, बंडल्स ऑफ बेनिफिट। यानी कस्टमर को वो चीजें पसंद आती हैं जहां पर बंडल्स ऑफ, मतलब एक ही जगह पर उसके बहुत सारे काम हो जाए। इन्हीं सब चीजों को सोच के बैंक का इंश्योरेंस को बनाया गया। गाइस देखिए, आप लोगों ने एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, डार्विन। डार्विन ने बोला था कि चीजें अपने आप को चेंज करती हैं, और अगर आप भी नेचर अपने आप को चेंज करता है, अगर आप भी अपने आप को चेंज नहीं कर पाएंगे तो आप खत्म हो जाएंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, क्योंकि प्रकृति अपने आप को चेंज करेगी। पहले के टाइम पर जब बैंक बिजनेस कर रहे थे तो बैंकों का मैक्सिमम प्रॉफिट होता था लोन से, बैंक लोन बांटते थे, बैंक को प्रॉफिट होता। लेकिन आज के टाइम पर इतने सारे बैंक आ चुके हैं, मार्केट इतना कॉम्पिटेटिव आ चुका है कि बैंकों को केवल लोन के प्रॉफिट पर डिपेंड नहीं रहना होता है, बैंकों को एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कमाने होते हैं। अब यह एक्स्ट्रा प्रॉफिट कहां से कमाया जाए, ये भी हमें समझना है। एक बात मेरी समझिएगा, अच्छा एक बार एग्जाम्पल लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी का, जैसे फॉर एग्जाम्पल LIC है, ठीक है, LIC है। तो LIC का एक बंदा आता है हमारे घर पे, ये हमारे पापा हो गए, ये हमारी माता जी हो गई, और ये हम लोग, हमारी दीदी, हमारी बहने, मतलब हम लोग, ये आएगा और हमारे माता पिताजी को डराएगा कि हाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पॉलिसी ले लो, और एक पॉलिसी चिपका देगा। अब इसने पॉलिसी चिपका दी, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एजेंट, इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट। यानी इसने LIC की पॉलिसी बेची हमें, हमने पेमेंट किया LIC को, यानी कि इसने, इस व्यक्ति ने क्या किया, इस व्यक्ति ने LIC को बिजनेस लाके दिया, और बदले में इसे क्या मिलेगा, तो बदले में इसे मिलेगा इसका कमीशन, कमीशन ही सैलरी मान लीजिए आप इसकी, कमीशन। हम लोग जानते हैं एजेंट क्या काम करते हैं। तो बैंक भी कैसे एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर सकता है, और कस्टमर को ये बंडल ऑफ बेनिफिट वाली बात जो मैं बोला था, वो मैं क्यों बोल रहा था, वो मैं आपको अब यहां पे समझाऊंगा। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है।
एक कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है मेटलाइफ, एक कंपनी है मेटलाइफ इंश्योरेंस कंपनी, आपने शायद नाम सुना होगा, ठीक है। मेटलाइफ को अपना बिजनेस बढ़ाना है, मेटलाइफ को इंडिया के मार्केट में पेनेट्रेट करना है, लेकिन कैसे, क्योंकि भाई ऑलरेडी इतनी सारी इंश्योरेंस कंपनी है, कैसे ही अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकता है, ठीक। इसने क्या सोचा, इसने एक बैंक से बात की, एक बैंक से बात की, ये बैंक कौन सा है, ये बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, ठीक। इसने अपने एक बैंक से बात की, इसने बोला कि भाई देखो यार तुम्हारे पास पब्लिक है, तुम्हारे पास पब्लिक है, लेकिन तुम एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो, तुम्हें एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करना है, एक काम करो, हम तुमको अपनी पॉलिसीज दे रहे हैं, तुम इसे अपनी ब्रांच में रखो, हम तुम्हारे एक दो एम्प्लॉय को ट्रेन कर देंगे इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, ठीक। तो जब कोई कस्टमर आएगा तो उसको तुम टारगेट करो, उसको तुम इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करो, और अगर तुम इन कस्टमर को इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर देते हो तो हम तुम्हें क्या देंगे, कमीशन देंगे। यानी इंश्योरेंस कंपनी ट्राई कर रही है कि बैंक उसका एक एजेंट बन जाए, जो मैंने आपको एग्जांपल इसके पहले दिया था, ये एग्जांपल दिया था ना मैंने आपको, ये एजेंट वाला, तो इंश्योरेंस कंपनी ट्राई कर रही है कि बैंक उसका एजेंट हो जाए। अब बैंक की बात करते हैं, बैंक सोच रहा है बात तो सही है, हमारे पास इतने कस्टमर है, तो अगर हम एक कस्टमर को बैंकिंग के साथ साथ इंश्योरेंस भी सेल आउट कर दें, हमारे लिए बड़ी बात नहीं होगी, बिकॉज क्या है, बिकॉज कस्टमर हमारे बैंक की ब्रांच के अंदर है, हम उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो हमें बैठे बैठे एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल जाएगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। अब कस्टमर का जरा पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं, ठीक है। अब कस्टमर सोच रहा है कि यार एक ऐसी जगह जहां पर बैंक भी हो जा रहा है और जहां पर हमें इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जा रही है, तो बेस्ट है, कस्टमर भी खुश, बैंक भी खुश, इंश्योरेंस कंपनी भी खुश। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं बैंकैश्योरेंस। तो बैंकैश्योरेंस का मतलब जब कोई बैंक अपनी ब्रांच से इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करता है, इसे हम क्या बोलते हैं, बैंकैश्योरेंस। गाइस आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, अगर कोई बैंक अपनी ब्रांच से इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बैंकैश्योरेंस। तो मैंने बैंकैश्योरेंस का पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने रख दिया कि मतलब ये क्यों होता है, क्या फायदा है इसे, कस्टमर क्या फायदा, बैंक को फायदा क्या, या इंश्योरेंस कंपनी क्या फायदा, ये तो क्लियर हो गया। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे गाइस, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैंकैश्योरेंस, यानी ये बैंकैश्योरेंस के मॉडल्स क्या होते हैं, कैसे ये काम करता है ये पूरा मॉडल। तो हम पढ़ने वाले हैं मॉडल्स ऑफ बैंकैश्योरेंस। देखिए यहां पे हम मॉडल बोल लो, टाइप बोल लो, जो बोलना है वो बोल लो, काम हो जाएगा, ठीक है। मॉडल की बात करते हैं गाइस, तो अगर बैंकैश्योरेंस की मॉडल की बात करें तो ये दो तरह से काम करता है, एक होता है रिस्क लेना, ये बैंक के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं, डायरेक्ट रिस्क, और एक होता है नो रिस्क, जिसमें कोई रिस्क नहीं होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो मैं पहले आपको नो रिस्क पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको रिस्क पढ़ाऊंगा, ठीक है। हम नो रिस्क की बात करने वाले, और नो रिस्क में हम पहले क्या पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कॉरपोरेट एजेंट मॉडल, कॉरपोरेट एजेंट मॉडल। अब ये कॉरपोरेट एजेंट मॉडल क्या होता है, अब ये कॉर्पोरेट एजेंट मॉडल क्या होता है, तो जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था ये यही है आपका कॉर्पोरेट एजेंट मॉडल। तो कॉर्पोरेट एजेंट मॉडल का मतलब क्या हुआ, कोई बैंक होगा, कोई बैंक कौन सा बैंक, जैसे मैंने आपको पीएनबी मेटलाइफ का एग्जांपल दिया, कोई बैंक होगा जो किसी इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप करेगा और इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी अपनी ब्रांच से सेल करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे भारतीय एक्सा। अब भारतीय एक्सा एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसने क्या किया, उसने एयरटेल पेमेंट बैंक से एग्रीमेंट कर लिया, उसको बताया कि एयरटेल पेमेंट बैंक के पास बहुत सारे कस्टमर हैं, तो इसने बोला कि भाई हम तुमको अपनी पॉलिसीज देंगे, तुम अपनी ब्रांच से सेल करो, जितना बिजनेस लाके दोगे हम तुम्हें उसका कमीशन देंगे। तो कॉर्पोरेट एजेंट मॉडल आपके लिए कोई नई बात नहीं है, ये मैं आपको पहले ही पीएनबी मेटलाइफ वाले एग्जांपल में समझा चुका हूं। तो इसमें ये नॉन रिस्क क्यों है, क्योंकि बैंक का कोई रिस्क नहीं है भाई, बिका तो बिका, नहीं बिका तो नहीं बिका, कौन सा बैंक का बिजनेस जा रहा है, नॉन रिस्क तो हुआ ना ये कॉर्पोरेट एजेंट या कॉर्पोरेट एजेंसी हम इसे बोलते हैं। तो ये पॉइंट तो क्लियर होगा आपको, तो ये पॉइंट तो क्लियर है। अब दूसरी बात करते हैं, अब नॉन रिस्क में दूसरा मॉडल, और दूसरे मॉडल को हम क्या बोलते हैं, दूसरे मॉडल को हम बोलते हैं रेफरल बिजनेस। हम क्या बोलते हैं, रेफरल बिजनेस मॉडल। अब ये रेफरल बिजनेस मॉडल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। देखिए आइए मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूं, अपने ट्रू लाइफ का देता हूं, ठीक है। अच्छा एक बार की एक्चुअली क्या होता है कि पिताजी लोग को डांटने का मौका चाहिए होता है ना, कि मतलब उन्हें मौका मिल जाए बस, कि कैसे डांट दे, कहां डांट दे, है ना। तो एक बार क्या हुआ कि IDBI बैंक की बात है, और मैं गया हुआ था अपने पिताजी के साथ IDBI बैंक में, ठीक।
वहां पर मैं गया तो वहां पर मुझे मेरे बचपन का एक दोस्त दिखाई दिया। बचपन का मतलब जो स्कूलिंग स्कूलिंग साथ में होती है। अनफॉर्चुनेटली घर भी उसका मेरे बगल में ही था, उस मेरे बंदे का, लेकिन मतलब बहुत दिन के बाद, कई सालों के बाद हम लोग देख रहे दूसरे को। अच्छा, तो जब हाई स्कूल के रिजल्ट आते थे, इंटर के रिजल्ट आते थे, तो वो बंदा मेरे घर पर आता था, और अगर उसके मार्क्स अच्छे हैं तो घर पर आके अपने मार्क्स दिखाने लगे, तो पिताजी लोग हम लोग के साइड में टर्न हो जाए कि भाई तुम्हारे मार्क्स क्यों नहीं आए, कंपैरिजन होता है ना। ठीक, वही बंदा मिल गया बैंक में। अब मैं तो जानता था कि यार तो सरकारी बैंक है, आईडीबी बैंक, दैट टाइम पे सरकारी था। ठीक, तो मुझे लगा कि बस पापा देख ना ले। पापा ने देख लिया उसको, वो आया, पापा का पैर छुआ, पापा ने बोला कि यही काम करते हो क्या? उसने बोला हाँ यही काम करते हैं। पिताजी को मौका मिल गया, लगे मेरी बेइज्जती करने कि देखो इनको ये कुछ नहीं करते हैं, ऐसे घूम रहे हैं, वैसे घूम रहे हैं। तो कहने का मतलब मुझे बड़ा बुरा भी लगा, और मुझे लगा यार ये तो यार बैंक में चला गया, बड़ा अच्छा है। पिताजी कुछ काम से आगे चले गए, मैं उससे बात कर रहा था, तो उसने गले में एक वो पहना हुआ था, एक जो होता नहीं कंपनी के रिबन होते हैं, पहना हुआ था। तो रिबन वो थोड़ा धुल गया था, वॉश हो गया, दिख नहीं जाता, लेकिन मैंने बड़े ध्यान से देखा तो उसमें बी बड़े बड़े लेटर से बी लिखा हुआ था। अब आईडीबीआई बैंक का वो होता तो स्टार्टिंग आई से होती ना, उसके यहां पे रिबन में बी से स्टार्टिंग थी। मैंने कहा जरा अपना कार्ड दिखाओ, मैंने उसे कार्ड निकाल लिया। जब मैंने उसे कार्ड निकाला तो उसमें लिखा था उसका नाम बजाज एलियंस का पूरा वो पोर्टफोलियो था उसमें, बजाज एलियंस का मतलब। तो मैंने बोला एक बात बताओ कि तुम काम कहां करते हो, तुम बजाज एलियंस में काम करते हो या तुम आईडीबीआई बैंक में काम करते हो? तो बोला कि भाई मैं बजाज एलियंस में काम करता हूं। तो मैंने बोला कि जब पापा मुझे डांट रहे थे तो तुम क्यों नहीं बोले? मैंने पापा को बुला के बताया कि देखो ये बजाज एलियंस में काम करता है। भाई करना पड़ा ना, बदला लेना था। फिलहाल अब मैंने एग्जांपल आपको क्यों दिया, इस मेरे हर एग्जांपल के पीछे कहानी होती। देखिए, तो रेफरल बिजनेस मॉडल का मतलब क्या होता है गाइस, एक बात समझिएगा, पहले हम इसकी बात कर लें। तो अगर आप इस मॉडल की बात कर ले तो सोचिए कि कोई भी बैंक हो, जैसे मान लीजिए पीएनबी की बात कर लेते हैं, पीएनबी एक बड़ा बैंक है। अगर पीएनबी अपना एम्प्लॉय लगा देगा इनके इंश्योरेंस पॉलिसी को सेल करने में, अब पता चला कि इंश्योरेंस पॉलिसी उतनी सेल हो रही है कि नहीं, बिजनेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन बैंक को तो उनको सैलरी देनी है, तो बैंक सोच रहा है कि यार हम अपने असेट को, अपने रिसोर्सेस को दूसरे के लिए क्यों यूज करें और मिला हमें केवल कमीशन, है ना। तो अब क्या होगा इस मॉडल में, क्या होता है जो हम लोग पढ़ने वाले रेफरल बिजनेस मॉडल, सॉरी, इसमें क्या होगा, इसमें कुछ अलग नहीं होगा, बस इसमें यह होगा कि जो मेटलाइफ है, मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो अपना एक ट्रेंड एम्प्लॉय बैंक में भेजेगा। ठीक है, बैंक में, बैंक क्या करेगा, बैंक इनको एक कैबिन, एक चेयर, एक टेबल दे देगा और ये यहां पे बैठ के पीएनबी के कस्टमर को टारगेट करेंगे। बैंक का कोई एम्प्लॉय इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। इसका फायदा ये होता है कि देखो बैंक का एम्प्लॉय इन्वॉल्व होगा नहीं, तो बैंक अपने एम्प्लॉय से अपना काम कर सकता है, और इंश्योरेंस का जो बंदा है वो काफी ट्रेंड है, वो लोगों को और अच्छे से गाइड कर सकता है और अच्छे से लोगों को पर्सुएड या इन्फ्लुएंस कर सकता है। चीजें वही है, बस इसमें क्या था, इसमें इस वाले मॉडल में बैंक का एम्प्लॉय काम कर रहा था, इसमें बैंक का एम्प्लॉय काम नहीं करेगा, मतलब इंश्योरेंस कंपनी को जगह मिल गई बैंक की ब्रांच में बैठने का और वो अपना बिजनेस वहां से कर सकते हैं, रेफरल बिजनेस, जो मैंने अपने दोस्त का एग्जांपल आपको दिया। आई होप कि आपको यह क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट एजेंसी या कॉर्पोरेट एजेंट मॉडल एंड व्हाट इज रेफरल बिजनेस मॉडल, दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको बता दिया। तो यह नॉन रिस्क मॉडल है, इसमें बैंक का अपना कोई रिस्क नहीं होता, लेकिन इन दोनों मॉडल में बैंक को एक बात समझ में आ रही है कि भैया जगह हमारी, कस्टमर हमारे, इंफ्रा हमारा, सब कुछ हमारा, लेकिन हमें क्या मिल रहा है, केवल कमीशन। मैक्सिमम बिजनेस कौन ले आ रहा है, तो मैक्सिमम बिजनेस तो कौन ले रहा है भैया, ये तो ले जा रहा है इंश्योरेंस कंपनी, ये बैंक सोच रहा है। तो बैंक ने क्या सोचा कि यार एक काम करते, ये सबका फालतू काम नहीं करेंगे, हम अपनी खुद की एक इंश्योरेंस कंपनी अलग से बनाएंगे। गाइज आपने नाम सुना होगा, किसका, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ। तो जब कोई बैंक अपनी इंश्योरेंस कंपनी बनाकर उसकी पॉलिसी अपनी ब्रांच से सेल करे, ये भी क्या है, बैंक का इंश्योरेंस। तो इसे हम क्या बोलेंगे, आगे बढ़ते हैं इसे हम बोलते हैं आपका तीसरा, मतलब जिसमें रिस्क लेता है बैंक, इसे हम क्या बोलते हैं, हमारा थर्ड मॉडल बेटा, इसे हम बोलते हैं इंश्योरेंस अंडरराइटिंग, इसे हम क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस अंडरराइटिंग।
अब ये इंश्योरेंस अंडरराइटिंग क्या है उसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यहां पर बैंक किसी इंश्योरेंस कंपनी से टाइप नहीं करेगा, बल्कि यहां पर बैंक अपनी खुद की इंश्योरेंस कंपनी खोलेगा और उसकी पॉलिसी अपनी ब्रांच से अपने कस्टमर को सेल करेगा ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट भी इसे मिले, किसे मिले, बैंक को ही मिले। लेकिन इतना आसान नहीं, अगर कोई बैंक अपनी खुद की इंश्योरेंस कंपनी ओपन करना चाहता है तो आपको अप्रूवल आरबीआई से लेना पड़ेगा ही पड़ेगा, आपको अप्रूवल एल्डा से भी लेना पड़ेगा। तो मतलब कौन कौन सी कंडीशंस आती हैं जिस पर कोई बैंक अपनी कोई इंश्योरेंस कंपनी खोल सकता है, आइए कंडीशन में बात कर लेते हैं। पहली बात देखिए कि उस बैंक के पास कम से कम 10% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होना चाहिए। अब ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है, इसे हम बोलते हैं पूंजी पर्याप्तता अनुपात। अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी का यह कम है तो आपको फिर इंश्योरेंस लाइसेंस नहीं मिलेगा। दूसरी बात, आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा और अप्रूवल किससे लेना पड़ेगा, आरबीआई से तो आप ले लेंगे लेकिन आपको आईआरडीएआई से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा क्योंकि भाई इंश्योरेंस कंपनी के बॉस ये होते हैं। तीसरा पार्ट गाइस, आपके पास कम से कम 500 करोड़ रुपए, आपके पास कम से कम 500 करोड़ रुपए कैपिटल होनी चाहिए। अच्छा, ये कैपिटल किसने डिसाइड किया है, ये कैपिटल डिसाइड किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। आरबीआई ने बोला है कि अगर भैया तुम बैंक हो तुम्हारा बैंक होना चाहिए, अगर तुम इंश्योरेंस कंपनी खोलना चाहते हो तो इतनी कैपिटल होनी चाहिए। वैसे अगर एडा की बात करें तो एडा की अपनी गाइडलाइंस क्या है, एडा बोलती है 100 करोड़ रुपए। अगर कोई बैंक इंश्योरेंस कंपनी खोलना चाहता है उसके पास 100 करोड़ हो तो लाइसेंस दे देंगे, ये एडा की अपनी गाइडलाइंस है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में तो इन्वॉल्व है इसमें, तो आरबीआई ने सीधे बैंक से बोला कि भाई आपके पास कम से कम 500 करोड़ रुपए होना चाहिए। एक पार्ट ही हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट की बात करें, देखिए तो एक तो 10% का सीएआर एडा से अप्रूवल लेना पड़ेगा, आपके पास 500 करोड़ रुपीस कैपिटल होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या गाइस ना, कि आपको लास्ट 3 ईयर इन प्रॉफिट, आपको अंतिम 3 सालों में प्रॉफिट में होना जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे हम पीएनबी की बात कर रहे हैं, अगर पीएनबी अपनी इंश्योरेंस कंपनी खोलना चाहता है फॉर एग्जाम्पल, और 2019 में इसने लाइसेंस अप्लाई किया, तो यह जरूरी है कि 18, 17 और 16 में इसको प्रॉफिट में होना है। अगर यह प्रॉफिट में नहीं है लास्ट 3 ईयर्स में तो इसको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। यह सबसे टफ पार्ट होता है बैंक के लिए। तो ये भी सारे पॉइंट आपको समझने हैं, याद करने हैं। तो गाइस अभी हम लोगों ने किस तरह बात की, हमने बैंक एश्योरेंस की बात की, हमने बैंक एश्योरेंस का कॉन्सेप्ट समझा, बैंक एश्योरेंस किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया, बैंक एश्योरेंस कब से शुरू हुआ, बैंक एश्योरेंस का मतलब क्या होता है, इससे बैंक को फायदा क्या है, इससे इंश्योरेंस कंपनी को फायदा क्या है, इससे कस्टमर को फायदा क्या है, ये कितने मॉडल पे काम करते हैं, हमने सब बात की आपसे ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और गाइस अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें हमारे वीडियोस को और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय।